आज के वीडियो में हम आए हुए हैं पेट पेट मुंबई 2024 जो है गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ और एक्सप्लोर करते हैं इस बेहतरीन इवेंट को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, बस अब पार्किंग देखनी है हमें। पार्किंग यहाँ लगाना होता, अच्छी खासी गाड़ियाँ यहाँ पे आप एट अ टाइम पार्क कर सकते हो, काफी गाड़ियाँ लगी हुई है आप देख ही सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी 130 हमने कार पार्किंग की पे कर दी है। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको अपना बैंड कलेक्ट करना होगा और अगर आपने बुकिंग नहीं करवाई है तो आप ऑन द स्पॉट भी काउंटर में आके टिकट ले सकते हैं। 599 रुपीस टिकट फेयर है जो दोनों दिन वैलिड होती है। तो गाइस यहाँ पर टैग्स दिए जाते हैं जो आपको चिपकाना होता है और साथ ही मिला हमें ये बुकलेट और लाडो के लिए बंडाना। तो ग्रीन होता है पेट मी, येलो होता है आस्क फर्स्ट और रेड होता है डेंजरस। यहाँ से है एंट्रेंस, वहाँ से पूरा आपको अपना बैंड वगैरह लेके आप यहाँ से अंदर आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे बड़े अपने पेट के साथ में फ़ोटो खिंचा सकते हैं और ये है मेन एंट्रेंस। चलिए चलते हैं अंदर। गाइस ये वीडियो हम फर्स्ट डे और सेकंड डे दोनों का मिलाकर बना रहे हैं। गाइस आपको यहाँ पे लाइन से बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक सारे पेट्स के लिए। गाइस और अगर आपके पास में छोटे पेट्स हैं तो आप ऐसे प्रैम भी ले सकते हैं, 200 रुपीस पर आवर इसका प्राइस है। और गाइस जगह जगह यहाँ पे पानी रखा हुआ है आपके पेट्स के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेट फेड के हीरो हीरोइन से, यानी कि यहाँ के प्यारे पेट्स से। तो ये है एग्जॉटिक पेट्स, ये है इगुआना। ये सिर्फ देखने में खतरनाक लगता है मगर ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत ही प्यारा होता है, इसे कोई भी टच कर सकता है जैसे कि एक बच्चा कर रहा है, आप देख ही सकते हैं। प्लस यहाँ पर सांप भी आया था। गाइस मैं काफी टाइम से पेट फेड आ रहा हूँ, इनफैक्ट लाडो को भी लेके आया था मैंने पिछले साल, लेकिन मैंने कभी भी सांप को नहीं देखा। ये सारे एग्जॉटिक पेट्स होते हैं, इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या लाइसेंस लगते हैं, वो सब कुछ ये भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो पेट फेड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि इतने अलग अलग पेट्स आपको कहीं और देखने नहीं मिलेंगे। तो गाइज आपको यहाँ पे एक से एक ग्रेट डेंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके तो गाइज ये न्यू फाउंड लैंड, इंसान जितना तो उसका साइज है। गुड बॉय, सिट अप, गुड बॉय, गुड बॉय। तो गाइज ये है हिमालयन मिस्टिफ, ये पहाड़ी ब्रीड है, अमेरिकन बुली डबल एक्सएल बड़ा वाला। गाइज कुछ डॉग दिखते डरावने हैं लेकिन हकीकत में बहुत प्यारे होते हैं। गाइज बहुत सारे इंडीज भी हैं, देखो एकदम क्यूटी पाई से इंडीज भी हैं। गाइज ये स्टेफी और बुली मिक्स है और साइज देखिए गाइज फेस का, अकीता राइट, अमेरिकन अकीता भी मिल जाएगा ये देखिए। हेलो, तो गाइस एक मूवी आई थी हचिको, उसमें जो डॉग था ना वो यही वाला था, यही ब्रीड था, अमेरिकन अकीता। कितने साइज ऑफ होते यार, कितना बड़ा मुंह है, कितना खूबसूरत है। तो गाइस आपको इतने सारे ब्रीड्स के डॉग भी मिलेंगे। गाइस आपको यहाँ पे चुआना भी मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे पुडल भी है, पुडल भी आपको मिलेगा ये देखिए। और गाइज हमारे साथ में लास्ट ईयर का फैशन शो विनर भी है। तो गाइज यहाँ पे ग्रेट डेन भी मिल जाएगा, गाइज यहाँ पे डच हाउंड भी मिल जाएगा, तो गाइज यहाँ पे चाओ चाओ भी है, तो गाइज बुल मिस्टिफ भी है, तो गाइज आपको एलबाई भी देखने मिलेगा। एंड जस्ट लुक एट द साइज ऑफ इट, ही इज वन ऑफ अ काइंड, सो यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर, सो ये अलग ही है, साइज देखो उसकी छोटी से भी बड़ा है। गाइज इसे 14 महीने का, जस्ट साइज देखो यार, इसमें तो 4-5 हस्की आ जाए। चाओ चाओ भी है यहाँ पे। गाइज ये है शिपर डूडू, हेलो, हेलो। सो गाइज यहाँ पे बॉर्डर कॉलिन भी मिल जाएगा और इसकी आईज ब्लू है, मेरे पास भी था बट ब्लू नहीं था उसका, ब्लू है। तो गाइज यहाँ पे आपको अफगान हाउंड भी मिलेगा। गाइज ये है अमेरिकन बुली लेकिन इंडियन अवतार में, बढ़िया धोती और ओनर ने भी बिल्कुल वैसे ही पहना है और उसने भी बिल्कुल वैसे ही पहना है। क्या नाम है इसका? लियो शेट्टी, लियो शेट्टी। ओह हेलो, कितनी बार
और गाइस यहाँ पे पूडल भी है छोटा। छोटे ब्रीड आपको मिल जाएंगे। हेलो किटी पर, तो आपको बड़े ब्रीड छोटे ब्रीड सारे ब्रीड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं, कैट्स के लिए भी यहाँ पे शोज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरनेशनल कैट शो। और गाइज इसके अंदर आप डॉग्स को नहीं ले जा सकते, आप सिर्फ कैट्स को ही लेके जा सकते हो। गाइज कैट्स की खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने पूरा इस तरीके से बना रखा है मानो जैसे उसका प्लेग्राउंड हो। तो ये भी उसे गूगल कर रहे हैं, कैट्स भी देखिए कितने सारे हैं, सारी कैट्स हैं। आपको यहाँ पे कैट्स के लिए फूड मिल जाएगा, कैट्स के लिए काफ़ी ट्रीट्स भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं लाइन से पूरे जो केजेस हैं उन सभी में कैट्स वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पे उसके फंक्शंस होते रहते हैं, आई मीन टू से उसके इवेंट्स और कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। और अभी यहीं पे स्टार्ट होने वाला है टेम्पटेशन एली। इसमें ऐसा होता है कि सारी जो डॉग्स को लुभाने वाली चीज़ें वो रखी जाती है, और जो ओनर होता है वो बुलाता है, तो देखते हैं कि डॉग्स बहक जाते हैं या बाकायदा ओनर के पास भाग के आते हैं। तो चलिए देखते हैं। जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वो पीछे बैक स्टेज में आ जाते हैं, जैसे उसका नंबर है 26, हर एक को स्टिकर दिया हुआ है, तो बाहर पार्टिसिपेंट को बैक स्टेज में पहले से आना पड़ता है। यहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे वो डॉग्स को ट्रेन करते हैं, काफी कुछ वो बताते हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए कैसे होते हैं, गार्ड डॉग्स को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ बताते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये देख के बहुत बढ़िया लगता है, तो आपको ये ट्रेनिंग बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो ये है पेट्स गॉट टैलेंट, यहाँ पे सब अपने पेट्स का अलग अलग हुनर दिखाते हैं। तो गाइस ये रखा हुआ है डॉग जो अभी आपने देखा था ट्रेनिंग के दौरान, और अभी बैक स्टेज में हम सब लोग आए हुए हैं सब अपने अपने डॉग्स के साथ में। लाडो को भी मैं ले आया, जैसे जैसे सबके नंबर लगेंगे सब जाएंगे और अपने टैलेंट्स दिखाएंगे। सो आई होप ये भी मूडी ना हो और मेरी बात माने। लाडो प्लीज़ बाबू इज्जत रख लियो। एक्टिविटीज तो बहुत सारी होती है, सभी में हम पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाए, लेकिन जैसे आप बुक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, तो आप मिस मत कीजिएगा, फिर चाहे पार्टिसिपेट करने की बात हो या फिर सिर्फ देख के एंजॉय करने की। तो अभी लाडो को हमने कर दिया तैयार, और यहाँ काफी डॉग्स तैयार होके आए हैं, ये देखिए
काफी फैशन शो में डॉग्स उतरे हैं। सो लेट्स सी। और फिर शुरू हुआ फैशन शो। गाइस यहाँ पे एक से बढ़कर एक कॉस्ट्यूम्स कस्टमाइज्ड किए हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, पेट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। गाइस भले आपके पास पेट हो या ना हो, तो भी आप आके पेट फेड में दूसरों के पेट्स को प्यार कर सकते हैं और साथ ही साथ दूसरों के पेट्स का परफॉर्मेंस देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो पेट फेड जरूर आइएगा। अब हमारी प्यारी लाडो की बारी। अब हम आपको सारे स्टॉल्स दिखाने वाले हैं। वैसे तो स्टॉल्स बहुत सारे हैं, मगर जितने भी हमने कवर किए वो आपको दिखाते हैं। पेट फेड की एक सबसे अच्छी खूबी यही है कि सिर्फ पेट्स नहीं, पेट्स के लिए भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। फिर चाहे वो एसेसरीज हो, फूड हो, फर्नीचर हो, जो भी हो, यू नेम इट, दे हैव इट। सब कुछ आपको अपने पेट्स के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे है फॉर लिविंग, ये बेसिकली पेट्स के लिए फर्नीचर बनाते हैं। सॉलिड वुड का बनाया है। दे कम इन मल्टीपल कलर्स फॉर द कुशन एंड फॉर द बेड इटसेल्फ। हाउ डू दे गेट इट? पेट फूड गाइस यहाँ पे चिकन मटन फ्लेवर्स के भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ में कबाब भी मिल जाएंगे, स्टिक्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाएंगे, रॉ फूड भी मिल जाएगा आपको। काफी सारी वैरायटीज हैं यहाँ पे अलग अलग चीजों की, जो शायद आपको कहीं और देखने ना मिले, तो पेट फेड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और गाइस ये भी 100% स्वदेशी यानी कि इंडियन कंपनी है। साथ ही गाइस यहाँ पे आपको डॉग्स के और पेट्स के बहुत सारे एक्सेसरीज मिल जाएंगे। हम ऑलरेडी बहुत सारी पेट वैन के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि घर पर आकर ही पेट की वैन आपके डॉग को पूरा ग्रूम करके चले जाती है। तो वैसा ही एक और एक ब्रांड ये है, वन पेट स्टॉप। एक जगह ऐसे प्लेग्राउंड्स भी बने हुए हैं जहाँ पे आप अपने पेट्स के साथ में खेल सकते हैं। तो गैस ये है टाजो और ये इंडियन ब्रांड है। तो गैस कुछ जगह ऐसे आपके फ्रेंडली होम क्लीनर्स मिल जाएंगे, जैसे मोस्टली होता ही है कि हमारे जो फ्लोर क्लीनर होता है या फिर जिससे भी हम साफ करते हैं उससे डॉग्स को प्रॉब्लम हो सकती है, मगर इससे नहीं होगी। तो गैस ये है फ्लाइंग फर, इसके ऊपर मैं बकायदा वीडियो बना चुका हूँ, ये दोनों भाई आए थे पिछली बार भी। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है गैस, आप घर पर लेके बुलवा सकते हो, बढ़िया वैन आ जाएंगी और आपके डॉग को पूरा ग्रूम करके घर वापस छोड़ देंगे, मतलब कहीं जाने की टेंशन नहीं। तो गैस आप चाहें तो यहाँ पे डॉग अडॉप्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। डॉग के लिए फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, अंडर वाटर ट्रेडमिल, लैंड ट्रेडमिल और एक्यूपंचर बहुत कुछ मिल जाएगा। और स्ट्रे डॉग्स के लिए आपको यहाँ पे वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स भी मिल जाएगा, आपको बैचेस वगैरह मिल जाएंगे, प्लस आपको डॉग ट्रीट्स वगैरह मिल जाएंगे, किसका क्या बना है तो उन्होंने बकायदा रखा भी है। बहुत सारे यहाँ पे आपको ट्रीट्स मिल जाएंगे डॉग्स के लिए। स्ट्रे डॉग्स के लिए काफ़ी यहाँ पे स्टॉल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्जरी वगैरह, ओपीडी वगैरह है, स्टॉल है जिसके पास में आपको डॉग फूड, डॉग ट्रीट तो मिल जाएगा, साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट भी मिल जाएगा, जैसे कि ये है। गाइज आपको यहाँ पे कई ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे बढ़िया आप अपने डॉग्स के साथ फोटो खिंचा सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस जगह को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। तो गाइज हमने भी निकाल लिया ऐसी फोटोज यहाँ से। Thank you.
आपके पेट्स के लिए बहुत सारे यहाँ पे प्लेग्राउंड्स बने हुए हैं। ये एक और प्लेग्राउंड है। तो गाइस सिर्फ पेट्स के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी यहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है। जगह जगह ऐसे गेम्स भी बने हुए हैं, आप भी ये खेल सकते हैं। और गाइस यहाँ पे रेस्टरूम भी है, यानी कि बाथरूम्स, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं। फोटोज खिंचा सकते हैं, वो भी फ्री में, बस आपको रजिस्टर करना होता है। जस्ट डॉग्स में आके रजिस्टर कीजिएगा और फोटो खिंचाइएगा। तो गाइस हमें लग रही थी भूख, हमने बुलाया मोमोज और फ्रेंच फ्राइज। ये सिग्नेचर का ग्रेन जीरो, ये ग्रेन्स ग्लूटेन और जीएमओ फ्री है। गाइस बहुत जगह आपको स्पिन एंड विन वाले ऑफर्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काउंटर्स है गाइस, जहाँ पे आपको चॉकलेट वगैरह भी मिल जाएंगी, जेराई वगैरह की आपको ट्रीट्स भी मिल जाएंगी, मतलब चॉकलेट जो है डॉग्स के लिए वो भी मिल जाएंगी। एक है मिल्क फ्लेवर, एक है चिकन फ्लेवर। हमने लिया है चिकन फ्लेवर का चॉकलेट, ये बहुत मुश्किल से मिल रहा था, फाइनली मिल गया। साथ में उन्होंने हमें दिया है चिकन मिल्की, ये उन्होंने अपनी तरफ से दिया। तो गाइस ये है बडीज बाउल, तो ये मिनिमल प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो एयर ड्राइड होते हैं, डॉग्स के गट हेल्थ मैक्सिमम न्यूट्रिशन के लिए सही रहता है। और गाइस ये स्वदेशी है, यानी 100% इंडियन है। ये हैदराबाद का स्टार्टअप है, तो ये जो ब्रांड है ये इंडियन ब्रांड है। और गाइस ये एयर ड्राइड टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, जो यूएस यूके में यूज होता है। और गाइस आपको बता दूं, ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, नॉन जीएमओ, यूएसएफडीए, एचएसीसीपी और जीएमपी, ये सारे सर्टिफिकेट इनके पास है, मतलब फर्जी कंपनी नहीं है। भाई अपने देश में भी एक से एक डॉग फूड्स और कैट फूड्स बनते हैं यार। आपको बिस्किट में मटन फ्लेवर भी मिल जाएगा, मतलब गोट मीट जो होता है वो मिल जाएगा आपको, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हमारी लाडो के लिए ले रहे हैं हम, क्वेश्चन आप बुबो बॉबे कंपनी के भी आपको यहाँ पे फूड मिल जाएगा, मेडिसिन मिल जाएंगी। लाडो के लिए मैं जूनियर नहीं, बड़ा वाला जो कैनिटॉन है वो यूज़ करता हूँ, और ईयर के लिए वॉरबैक का ही मैं सेसिलिक एसिड यूज़ करता हूँ। गाइस ये आपको सैंपल्स भी मिल जाते हैं, पहले सैंपल देख सकते हो, फिर आप बड़ा ले सकते हो, क्योंकि वर्बैक कंपनी के भी अच्छे डॉग फूड्स और कैट फूड्स होते हैं। तो गाइस यहाँ पे एनएनडी का भी है, और मैं अपने लाडो को देता हूँ एनएनडी का ओशन। एनएनडी के फूड बहुत बढ़िया होते हैं डॉग्स और कैट्स के लिए। गाइस बॉक्स एंड वेग्स, यहाँ पे आपको डॉग्स के बेड्स, सोफ़ा और बहुत कुछ मिल जाएगा, हार्नेस वगैरह। तो गाइस ये है निकी डॉग हाउस, ये डॉग बोर्डिंग के लिए है। मैं अपने डॉग को यहाँ पे 2-3 बार रख चुका हूँ, जब ले लद्दाख गया था तब भी मैंने यहाँ पे करीब 29-30 दिन के लिए रखा था, इसके बीच में भी जब मैं गया था 3-4 दिन के लिए तब भी रखा था। तो ये रेप्लिका उन्होंने बनाया बकायदा, लेकिन जब आप जाते हो तो ये सारी चीज़ आपको मिलती है, स्विमिंग पूल हो गया, डॉग बोर्डिंग का पूरा हो गया सब चीज़। सत्य फार्मास्यूटिकल्स, ये पूरे हर्बल और नेचुरल है। तो गाइस आपको यहाँ पे आयुर्वेदिक भी मिल जाएगा, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी। तो गाइस हमने भी ले लिया है ये वाला ईयर ड्रॉप, और अब भी जस्ट मैंने इसका सैंपल यूज़ किया है लाडो के ऊपर, हालांकि दूसरा जो यूज़ का तो थोड़ा झटपटाती है, लेकिन इसको ऐसा कुछ किया नहीं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपको आयुर्वेदिक पसंद है, इंसानों के लिए यूज़ किया तो जानवरों के लिए भी यूज़ करके देखिए। और गाइस ये भी 100% स्वदेशी, यानी कि इंडियन ब्रांड है, आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पैसे भी काउंटर्स मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे डॉग के ड्रेसेस हैं, एसेसरीज हैं, कस्टमाइज आप करा सकते हैं। इंडो वेस्टर्न चाहिए, इंडियन चाहिए, सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे अपने डॉग्स के लिए। और गाइस ये जो बाउलर्स है ये 100% स्वदेशी है, यानी कि अपनी इंडियन ब्रांड है। यहाँ पे आपको मीट फ्लेवर की मिल जाएंगी, एप्पल जर्की यानी कि फ्रूट फ्लेवर भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारी ट्रीट्स हैं। तो गाइस अभी मीट वाली हम भी ट्राई कर रहे हैं। ओहो पहले से देखो तो बाबू को कितनी एक्साइटेड है, बहुत अच्छा लगा बाबू को, अच्छा लगा, रॉ है ना, रॉ है। तो गाइस यहाँ पे आपको ऐसे सैंपल्स भी मिलते हैं, तो आप ये ले सकते हैं, अच्छे आपको मिल जाएंगे डॉग फूड्स वगैरह, और बहुत बढ़िया तरीके से बना होता है, ये भी इंडियन ब्रांड है, अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, और ये स्टोर्स में भी अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। आपको यहाँ पे डायसन का भी मिल जाएगा, डायसन एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो बहुत बढ़िया क्वालिटी की मशीन्स बनाता है, तो स्पेशली पेट्स के लिए भी डायसन ने बहुत सारी अलग अलग वैक्यूम मशीन्स बनाई है। Plush toys, observing, मतलब liquid observe करते हैं, liquid observe करते हैं, so you can put all your treats here, wet and dry, so this is like a clip, you can hang your clip here, okay, and pretty sturdy clip, okay, the one other way is like you have this clip belt you can wear it
around, and the other one is it's like a sling. You can hang it to here. Like a sling bag. Yeah, like a sling bag on here. Nice. So multi-purpose. It's like a zip. You can open it and put your keys. Now I have my house keys and all. And then for your poop bag, you have your poop bag here. So like this. You can keep all the poop bags here if you want to, and just keep one out whenever you need it. Okay. Nice. That's pretty sorted. तो गाइस यू एन एंड द बीस्ट ये बेसिकली जो आपको दिख रहा है रॉक वाला ही एक लीश है एकदम तगड़े क्वालिटी की तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे ऐसे पत्थर को इससे बांध रखा था लेकिन अभी सब बंद हो रहा है इसलिए उन्होंने निकाल दिया उन्होंने ये भी बढ़िया है सिंपल है इसको दबाओ ये खुल जाएगा तो दबाओ दैट्स इट लॉक बार्कर एंड मियाउस की यानी डॉग्स और कैट्स के लिए और गाइस ये भी 100% स्वदेशी यानी कि अपना इंडियन ब्रांड है यहाँ पे आपको डॉग बियर मिल जाएंगी पॉप स्किल्स मिल जाएंगी तो गाइस यहाँ पे आपको DIY पॉप प्रिंट किट भी मिल जाएगा ये सारी चीज़ें भी हैं डॉग्स के एक्सेसरीज और ये अच्छा DIY का ही पार्ट है ये बेनिस का ब्रांड है बेनिस बाउल ये आप देख सकते हो बहुत सारे फ्लेवर है चिकन मटन सब में मिल जाएगा वेजिटेबल्स में भी मिल जाएगा और आपको बता दूँ ये 100% स्वदेशी है मतलब इंडियन ब्रांड है और ये दिल्ली बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है गाइस तो आपको ये ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा तो गाइस यहाँ पे फ्री सैंपल मिल रहा था आप ये लेके ट्राई कर सकते हैं इसमें आपको 5 फ्लेवर मिलते हैं 3 नॉनवेज और 2 वेज गाइस यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस भी है तो अगर आपके पेट को कोई भी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो यहाँ पे वो सब अवेलेबल है हमारी लाडो खेलती है सबके साथ मस्ती करती है लाडो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस पर कमेंट कीजिए और साथ साथ इसे शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए नए कंटेंट जब हम अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है जहाँ हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स डालते रहते हैं तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ तब तक खुश रहो खुश रहने दो प्रेज़ द लॉर्ड बाय